नमस्ते, मैं हूं अजरा खान, आप देख रहे हैं लोकतंत्र कवरेज न्यूज। आज हम खड़े हैं नगर सेवक कमर जहां मोइन सिद्दीकी के ऑफिस में, तो आइए जानते हैं इन्होंने अपने नगर वासियों के लिए क्या क्या काम किया है। महिला कॉर्पोरेटर होने के नाते मेरे महिलाओं से इतना टच बना रखा हुआ है कि और कुछ भी तकलीफ होगी, छोटी से छोटी भी तकलीफ होती है या कुछ उनको प्रॉब्लम होता तो डायरेक्ट मुझसे आके मिलते हैं। मेरा सुबह ऑफिस में बैठने का टाइमिंग है 10 से 1, लेकिन मुझे 2 से 3 बज जाते हैं, लेकिन मैं हर महिला जो भी मेरे ऑफिस में आती है उसकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है सॉल्व करने की पूरी कोशिश करती हूँ और करती भी हूँ। इसलिए मैं महिलाओं से बहुत अटैच और उनको मुझे पूरा भरोसा है। वो हर छोटी से छोटी बात लेके मेरे पास आती हैं, रिलेटेड बच्चे के मामले में हो, चाहे अपना हो, चाहे उनके फैमिली के मामले में हो, और मेरी पूरी कोशिश रहती है उनको, मतलब उनकी सारी सुविधाएं उनको देखने करने के लिए, क्योंकि एक मैं एक महिला हूँ, अगर मैं महिला को नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा। तो इसीलिए एक महिला की नज़र रखते हुए मुझे महिलाओं से बहुत ज़्यादा रहता है। अभी मैंने महिलाओं को देखते हुए मशीनें बांटी, घर घंटी बांटी हैं, उनसे लेके समापन से सुविधा करके, और महिलाओं को जागरूक करने के लिए मैंने घर घर खुद जाके डस्टबिन बांटा है, ताकि हमारे यहाँ का माहौल साफ सफाई वाला रहे, सफाई रहे, बच्चे हाइजीनिक रहे, बच्चे लोग अच्छे से रहे, कोई बीमारी ना हो, और जो भी कुछ होता है मेरे पास फौरन वो कांटेक्ट में आती हैं। और मेरी और भी उम्मीद है कि मैं महिलाओं के लिए बहुत कुछ करूँ। आज जो भी मैंने अच्छे काम किए, जितना डेवलपमेंट का काम किया, तो हमारे लाडले MLA असलम शेख के मार्गदर्शन से, उनके सपोर्ट से, उनके सहयोग से ये सारे अच्छे काम हुए हैं और यहाँ का डेवलपमेंट हुआ है। काम चल रहा है RCC नाला, जो 6 नंबर का सबसे बड़ा नाला है, उसका भी मैं काम करवा रही हूँ, आप देख सकते हैं। फिर मैंने अपने सब इंटरनल रोड्स बनवा के लिए हैं, हर गली को, वो शिवपुरी गलियाँ हर जगह की सब जगह की बना के दी है, कलवर्ट्स बनाए हैं, और ब्रिजेस मैंने पास करा, पेशा काम चल रहा है, और टॉयलेट्स जो हमारे बेसिक पब्लिक के लिए है, जो तकलीफ होती है उसके लिए मैंने रिपेयरिंग करके दिया है, सब जगह बना के दिया है, और साफ़ सफाई पे मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, क्योंकि हमारे इस्लामी एरिया में जो हमारे VMC के जो हैं, लेकिन वो ध्यान नहीं देते हो, तो उनके लड़ झगड़ के आप जाके देख सकते हैं मैंने कितने POs उठाए हैं, कि ये हमारा यहाँ पर साफ़ सफाई का मुद्दा है, तो साफ़ सफाई के लिए मैंने बहुत विशेष ध्यान दिया है उसके लिए भी। और 7 नंबर में मैंने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मेरा प्रोसेस में चल रहा है, जो हमारे यहाँ के इस्लामी एरिया के बच्चों को वो सारी सुविधाएं मिलें जो उन्हें मिलनी चाहिए, वहाँ पर कबड्डी ग्राउंड से लेके क्रिकेट ग्राउंड भी आपको मिलेगा, गार्डन में जो छोटे बच्चों के लिए पूरा अच्छे से उनका खेलने के लिए सारी सुविधाएं करके दी है, गार्डन भी अच्छा है, सीनियर सिटीजन के बैठने के लिए अलग है, और वहाँ पर लाइट्स भी रहेगी 24 घंटा। मोहम्मद रफ़ी ग्राउंड है, उसको मैंने फुल मेंटेन किया है, इसमें भी पूरे लाइट का इंतज़ाम करके दिया है, यहाँ पर भी उसको अच्छा बना के दिया है, सब कुछ करके दिया है। और उसके बाद मैंने लगुन रोड पर हाईवा करके सब हाईवा करके दिया हुआ है, और मैंने मशीन और घर घंटी हमारे यहाँ की जो महिलाएं हैं उनके लिए, जो लड़ झगड़ के मैंने इनके लिए पूरी कोशिश करके इनके लिए उसकी सुविधा की, तो मैंने काफ़ी घर घंटी और मशीन BMC की जो मिलती है उनको जो उसकी सुविधा करके दी, मिलके दिया है। और मैंने साफ सुविधा के हिसाब के देखते हुए घरों घर मैंने डस्टबिन बांटे हैं, और हम अगले 5 साल में भी असलम शेख के मार्गदर्शन के, उनके सपोर्ट से अच्छा काम करेंगे, और काफ़ी डेवलपमेंट हमारी मालवनी का हम करेंगे, कि हमारा मालवनी एक स्टार की तरह चमकेगा, हर कोई जानेगा कि ये मालवनी है और फुल डेवलप है। मुस्लिम नहीं, सभी के लिए, मेरे लिए सब बराबर है और सब कास्ट बराबर हैं, कोई यहाँ पर नहीं है। मैंने जो भी काम किया, निष्पात काम किया, और हर कम्युनिटी के लिए काम किया, मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, सभी के लिए, सभी ये कास्ट अपने लिए मान्य है, सम्मान्य है, और सबके लिए काम, कोई यहाँ पर जात भेद का काम नहीं होता है। मैंने हमेशा सेक्युलर रही हूँ, सेक्युलर ही काम करती रही हूँ और करती रहूँगी। और ये सब अभी मैं 43 में हूँ, जब मैं अभी इस वक्त, तो अभी मेरा नया वार्ड जो बन रहा है वो 43 जो है 34 हो जाएगा, उसमें NCC और OCC जहाँ पर मैं रहती हूँ OCC, तो ये दोनों वार्ड मिलके हो रहे हैं, तो उसमें भी आप सब पब्लिक की दुआएं हैं, जैसे आज उन्होंने मुझे BMC इलेक्शन में पोस्ट दुआओं से मिली है, और उन्होंने मेरा काम देखा, सब कुछ देखा, और अभी जो नया इलेक्शन BMC का आएगा उसमें भी उनकी दुआएं और उनका प्यार रहेगा, और इंशाल्लाह वही मैं जीतूंगी, क्योंकि लोगों ने मेरा काम देखा, काम ही मेरी पहचान है, वर्क इज आवर आइडेंटिटी, काम हम करते हैं, काम ही करते रहेंगे, और जब भी किसी को दुख सुख रहा हम उनके साथ में हमेशा रहें, साथ साथ में, और काम ही हमारी पहचान है।
सबसे पहले अभी मेरे अभी जो नेक्स्ट नया काल होगा उसमें मैं साफ सफाई का मुद्दा ज्यादा रखूंगी, क्योंकि स्कूल का मैंने इस 5 साल में सब कुछ जागरूक कर दिया, फिर भी साफ सफाई के साथ साथ बच्चों के एडुकेशन के लिए पहले करूंगी। यहाँ के हॉस्पिटल के लिए सब कुछ जो है, अपनी महिलाओं के लिए मेरा मेन उद्देश्य, उनके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ कि वो घर बैठे अपने लिए रोजगार के लिए कुछ न कुछ कैसे। बच्चा दर्द योजना जो था उसको मैंने काफी सपोर्ट किया था, और काफी हमारे यहाँ की जो महिला है सक्षम है, मैं चाहती हूँ यहाँ की भी बहन बेटियाँ अच्छी कॉलेज पर पढ़ लिख जाए, पढ़ने के साथ साथ में वो इंडिपेंडेंट हो, अपने लिए खुद खुद छोटा छोटा रोजगार घर में बैठ के भी कर सकती है, तो वो घर अच्छा चला सकती हैं और एकदम निर्भर होकर जी सकती है, इंडिपेंडेंट जी सकती हैं, और वो खुशी मिलती है जब अपने आप से, जब पूरे फैमिली को सपोर्ट कर सकती हैं। छब्बीस जनवरी तो हमारे लिए ये रिपब्लिक डे है, इतनी इम्पोर्टेंट डे है, तो जैसे हम मनाते हैं वैसे ही मनाएंगे और पब्लिक को इस और जागरूक करेंगे साफ सफाई के लिए, बच्चों को स्कूल के लिए जाने के लिए, हर सुविधाओं के लिए, और जो भी उनकी कुछ तकलीफ होगी मैं फौरन उनको सॉल्व करते जाऊंगी। चाहते तो मैं संतरा जनता को ये संदेश देना चाहूंगी कि मैं और उनसे ज्यादा जुड़ूंगी और उनसे कॉन्टेक्ट में रहूंगी और उनके लिए सारी फैसिलिटीज, वो सारी सुविधाएं उनको देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी, और मैं हर चीज हमेशा निष्पात होकर करी हूँ, तो मैं इस तरह से करते रहूंगी। मेरी मालवनी के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए मुझे बहुत कुछ करना है और वो मैं करके दिखाऊंगी। जैसे कि आपने देखा आज हमने बात की कमर जहां मोइन सिद्दीकी से, जो वार्ड क्रमांक 43 की नगर सेवक है, इन्होंने साफ सफाई की समस्या को, बच्चों के एजुकेशन को, महिलाओं को जागरूक करने के लिए बहुत अच्छे मुद्दे उठाए हैं। आगे भी देखते हैं कि जनता इनका कितना साथ देती है। कैमरामैन इमरान शेख के साथ अजरा खान की रिपोर्ट, लोकतंत्र कवरेज न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ।